बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मौरे समेत बहुत ही अहम खबर के सऊदी हुकूमत का मक्का मुकरमा की नाकाबंदी का फैसला। मौरे समेत सऊदी अरब में 24 घंटों में मजीद 154 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीश के बाद मक्का मुकरमा की नाकाबंदी का ऐलान सामने आया है, जबकि दोनों हरमीन में अभी तक कोई भी तस्दीक शुदा या मुश्तबा के सामने नहीं आया। सऊदी वजारत सेहत के तर्जमान ने यह बात कोरोना वायरस की सूरत हाल पर रोज़ाना की बुनियाद पर होने वाली ब्रीफिंग के दौरान बताई। सऊदी टेलीविज़न पर बराह रास्त दिखाई जाने वाली इस ब्रीफिंग में तर्जमान ने बताया कि सऊदी अरब में अब कोरोना वायरस के मरीजों की कुल तादाद 1450 हो गई है। बारिश में दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर अमेरिकी डॉक्टर ने कोरोना के 700 मरीजों का कामयाब इलाज कर लिया। याद रहे कि ये बीमारी इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा फैल चुकी है और अमेरिका के अंदर एक ही दिन में 600 से 700 हलाकतें हो रही हैं, और इस सूरत हाल में अमेरिका के अंदर डॉक्टर ने एक ही दिन में 700 मरीजों का कामयाब इलाज कर लिया है। याद रहे कि ये बीमारी पाकिस्तान के अंदर भी फैल चुकी है और इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इमरान खान साहब ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए टाइगर फोर्स बना रहे हैं, जो कि कोरोना से मुतासर अफराद की मदद करेंगे। ये टाइगर फोर्स मुल्क के पाकिस्तान के लिए अहम करदार अदा करेगी। याद रहे कि कोरोना वायरस की वजह से मजीद 7 अफराद इंतकाल कर गए हैं। मुल्क में मजमू अमवात 24 हो गई हैं। याद रहे कि ये वबा पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पाकिस्तान में सबसे कम हलाकते हुई हैं, और पाकिस्तान को इस बीमारी से बचाने के लिए पाकिस्तान की पाक आर्मी अहम किरदार अदा कर रही है। याद रहे कि दुनिया भर में कोरोना से 36,000 अमवात 7.5 लाख अफराद मुतासर हो चुके हैं। स्पेन और इटली सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान में सबसे कम हलाकते हुई हैं, और पाकिस्तान को इस वबा से बचाना है तो इमरान खान साहब और पाकिस्तान की पाक आर्मी की तरफ से जो मैसेज आया है हमें उस पर अमल करना है। याद रहे कि चैनल का बुनियादी मकसद वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI पाकिस्तान की पाक आर्मी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को सपोर्ट करना है। जब जब आप कमर्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान साहब जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, हमारे दुश्मनों को एक शदीद किस्म की मिर्चें लगेंगी और हमने इनको यही मिर्चें लगवाना है। मजीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारी गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। मौरिस मीन, सबसे पहले तो हम आपके साथ ये खबर शेयर करेंगे कि सऊदी हुकूमत का मक्का मुकरमा की नाकाबंदी का फैसला। यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि वजारत दाखिला के तर्जमान ने बताया है कि मक्का के कुछ अजलाक के मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और पीर को मकामी वक्त के मुताबिक 3 बजे के बाद किसी को भी शहर के अंदर या बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। दरअसल सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुमलिकत में वीज़े की खिलाफ वर्जी की मरतबे और जर क्यादत करने वाले अफराद समेत कोरोना वायरस के तमाम मुतासरीन के इलाज का हुक्म दिया है। सऊदी वजारत सेहत तौफीक अब्दुल बरिया का कहना है कि जिन लोगों में कोरोना वायरस की अलामत ज़ाहिर हो रही हैं, वो किसी सरकारी या निजी हस्पताल में इलाज के लिए जाने से हिचकिचाएं। शहनशाह सलमान के नए हुक्म के तहत वो मुनासिब तरीके से अपना इलाज करवाएं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वीज़े की खिलाफ वर्जी की है और मुमलिकत में ज़ैद अलमिहाद मुकीम हैं, उनमें से अगर कोई कोरोना वायरस का शिकार हुआ तो उसको भी इस सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए। वजारत सेहत ने तमाम शहरियों और मकीनों पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए हिफाजती एहतियाती तकबीर इख्तियार करें। सऊदी अरब ने इतवार को कोरोना वायरस से 4 मजीद मरीजों की अमवात और 96 नए केसों की तस्दीक की थी। सऊदी अरब में अब इस मैक वायरस की केसों की तादाद 1300 से ज़्यादा हो चुकी है। सऊदी हुकूमत ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इतवार को मजीद इकदामात का ऐलान किया है। जद्दा में भी लॉकडाउन का हुक्म दिया गया है और उसके मकीनों और शहरियों के दाखिले या वहां से अरूज या पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक जद्दा की नूरगवानी में भी
कर्फ्यू का दुरानिया बढ़ा दिया गया है। इसका आगाज़ शाम 7 बजे के बजाय दोपहर 3 बजे होता है और यह सुबह 6 बजे तक नाफज है। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज, फौज और मीडिया समेत अहम सरकारी और निजी शोबों में काम करने वाले एहलकार और शोबा सेहत में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर हजरात और तिब्बी अमला कर्फ्यू की पाबंदियों से पाबंद रहेगा। हुकूमत ने गुज़िश्ता हफ्ते मुमलकत के 13 सूबों में शहरियों और मकीनों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी थी। जद्दा से पहले 23 मार्च को मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और दारुल हुकूमत अल रियाज में दोपहर 3 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू नाफज कर दिया गया था। उसके तहत इन शहरों में अरूज या इन से जाने पर पाबंदी आयद है। मुआरिसमीन, दूसरी तरफ दुनिया भर में हज़ारों अमवात के सबब बनने वाले नोवल कोरोना वायरस से पाकिस्तान भी अमवात और नए केसेस आने का सिलसिला ना रुक सका और मुल्क में मुतासरीन की तादाद 1700 से तजवीज़ कर दी गई, जबकि एक रोज़ में से ज़्यादा 7 अमवात के बाद अब तक 24 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने पीर की सुबह मजीद 2 अमवात की तस्दीक की। बाद अजां तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने मजीद एक मरीज की जान बाँक होने की तस्दीक की, जिसके बाद पंजाब में अमवात के सरकारी सतह पर तादाद 9 बताई गई है। अलावा अजी खैबर पख्तूनख्वा में 6, सिंध में 6, गिलगित बलोचिस्तान में 2 और बलोचिस्तान में 1 फर्द इस मैक वायरस से इंतकाल कर चुका है। अगर मजमूई तौर पर मुल्क में केसेस को देखें तो पंजाब सबसे आगे है और वहाँ 638 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि इसके बाद सिंध है जहाँ मुतासरीन की तादाद 568 है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 217, बलोचिस्तान में 152, गिलगित बलोचिस्तान में 128, इस्लामाबाद में 51 और आज़ाद कश्मीर में 6 अफराद इस वायरस का शिकार हो चुके हैं। ताहम जहाँ इस वायरस से इतने अफराद मुतासर हुए हैं, वहीं सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक 50 मरीज ऐसे थे जो सेहतयाब हो चुके हैं। अगर पीर 30 मार्च की अब तक के अदाद शुमार तो मुल्क में मुतासरीन की तादाद 1758 तक पहुंच चुकी है। सिंध में आज फिर मजीद 3 अमवात सामने आई, जिसके बाद सूबे में अब तक इंतकाल करने वालों की अफराद 6 हो गई है। महकमा सेहत सिंध की जानब से बजरिए ट्वीट बताया गया कि आज सुबह कराची में कोरोना वायरस से 2 अफराद की मौत हो गई है। दोनों अफराद की तफसील बताते हुए महकमा सेहत ने कहा कि 66 साल और 52 साल शख्स गुर्दों और सांस की बीमारी का शिकार थे और इन्हें एहतजाज के जरिए कोविड-19 हुआ। महकमा सेहत ने बताया कि 2 अमवात से सिंध में मजमूई अमवात की तादाद 5 हो गई। बाद अजां महकमा सेहत की जानब से सिंध में मजीद 6 केसेस की तस्दीक की गई, जिसके बाद सूबे में मुतासरीन की मजमूई तादाद 508 तक जा पहुंची। महकमा सेहत के मुताबिक कराची में मकामी सतह पर मुंतकली के नए केसेस सामने आए और इस तरह सूबाई दारुल हुकूमत में मुतासरीन 228 तक जा पहुंच गए, जबकि 7 नए केसेस हैदराबाद और दावड में रिकॉर्ड हुए। मजीद ये बताया गया कि अब तक अफराद इस वायरस से वफात पाए, जबकि 217 जेर इलाज हैं और 14 सेहतयाब हो चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक इन कराची, हैदराबाद, दावट में 236 केसेस में से 170 मकामी सतह पर मुंतकली के लिए हैं। अपने बयान में सूबाई महकमा सेहत ने बताया कि ईरान से सक्कर आने वाले 265 और लाड़काना आने वाले अफराद में से 7 में कोरोना की तशखीस हुई है। चंद घंटे बाद महकमा सेहत की जानब से मजीद 27 केसेस सामने आने की तस्दीक की गई। बयान में कहा गया कि इन केसेस में से कराची के 21, हैदराबाद के 5 और एक्टाबाद में 1 केस सामने आया है। वारिसमीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है, हमने इसको शिकस्त देनी है, तो इसलिए इमरान खान साहब और पाकिस्तान की पाक आर्मी जो भी हमें कह रही है, हमें चाहिए कि हम उस पर अमल करें। मॉरिसमीन, हमारा काम था तमाम तर तफसीलात आप लोगों के सामने रखना, अब आप लोगों ने कमेंट्स में फैसला करना है कि क्या सच है और क्या झूठ। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और पाक आर्मी और इमरान खान साहब के हक में एक नारा कमेंट्स में ज़रूर लगा दीजिएगा।